हेलो फ्रेंड, दिस इज वीर फ्रॉम सरस्वती क्लासेस नारोल अहमदाबाद. फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो दैट एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर इज गोइंग ऑन एंड बिफोर दिस वन वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ डेटा रिगार्डिंग दिस चैप्टर. वी हैव डिस्कस्ड व्हाई वी नीड अ न्यू पार्टनर इन द बिजनेस, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, इवन वी हैव सीन सम रूल्स हाउ टू फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आफ्टर एडमिटिंग न्यू पार्टनर. बिकॉज वी ऑल नो दैट व्हेन a new partner comes in our business, there must be a change of profit and loss ratio. Then we have discussed data regarding goodwill also, and also one or two questions we have discussed earlier on related with this one. Friends, this is a chapter of basically 8 marks, a very important chapter for the point view of examinations. So without wasting our time, just start our question. Question number 9 is given there. You have given Asta and Ahana to partners. You don't have given the profit and loss ratio. We'll assume it as 1:1 equal ratio. You have given certain data. We will start with the very first trial balance sheet data, which we have to give only one effect in the accounts. See, capital account is there. We all know capital has a credit balance. So in capital account of Asta and Ahana, we'll put by balance brought forward 76,048,400. After that, workman compensation fund. There is a tick mark in this one. What is this workman compensation fund? Workman compensation fund का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी में अगर हम कोई कंपनी रन कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री रन कर रहे हैं, तो हम ड्यूरिंग द ईयर कोई भी एक्सीडेंटल कोई घटना दुर्घटना होती है तो उससे बचने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, या फिर उसके उस टाइम की कंडीशन को डील करने के लिए हमारे पास एक फंड होना चाहिए कि जिससे उस समय जो नुकसान या फिर कोई एक लाइबिलिटी पैदा होने वाली है, उस लाइबिलिटी को हम कैसे क्या कर पाएंगे, डील कर पाएंगे. उस टाइम हम मार्केट में से लोगों से पैसे लेने के लिए नहीं दौड़ेंगे, हमारे पास उसकी व्यवस्था खुद की होनी जरूरी है. तो उसके लिए एक फंड होता है, दैट इज नॉन एन वर्कमैन एक्सीडेंटल फंड. सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ड्यूरिंग द ईयर और द वर्किंग आवर्स, इफ देयर इज एनी एक्सीडेंट और मिसहैप हैपनिंग इन द कंपनी एट दैट टाइम, इफ द वर्कर कम क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी एट दैट टाइम, कंपनी हैज टू पे द क्लेम अमाउंट. क्लेम अमाउंट कहाँ से पे करनी पड़ेगी? अगर हमने हमारे पास फंड्स बचा के रखे हैं तो उसमें से पे किया जाएगा. ठीक है, तो ये होता है वर्कमैन एक्सीडेंटल कंपनसेशन फंड. ठीक है, उसके बाद उसको कंपनी वापस रिकवर नहीं कर सकती, इवन रिकवर करती भी नहीं है. तो उससे रिलेटेड हमें फंड दिया है यहाँ पर 4,800 का, और नीचे आप एंट्री नंबर देखो 4. द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एक्सेप्टेड 3,200. मतलब हमने जो फंड्स 4,800 रुपीज के बचा के रखे थे उसके सामने 3,200 के क्लेम्स आ गए हैं. तो वो एक लाइबिलिटी है, वो हमने लाइबिलिटी के रूप में यहाँ पर सॉल्व कर देना है. वर्क क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड दैट इज 3,200 रुपीज. बट फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि 4,800 रुपीज हमने बचा के रखा था. 4,800 रुपीज के सामने 4,800 रुपीज के सामने हमारे पास 3,200 का क्लेम आ गया है. तो 1,600 रुपीज स्टिल इट इज नॉट यूज्ड. तो आज जब न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर हो रहा है तो उसके एंट्री के टाइम पर जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी जो भी सेविंग्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, आपस में बांट लेते हैं. क्यों? क्योंकि न्यू पार्टनर बिजनेस में आएगा तो उसको हिस्सा देना पड़ेगा ओल्ड फंड में से. तो क्यों दें उसको? वो एंटर कर रहा है, उसके पहले हमारे जो भी रिजर्व्स थी, जो भी प्रॉफिट हमने जनरेट किए थे ओल्ड पार्टनर्स ने, वो आपस में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे. अब नया पार्टनर आया है तो सब कुछ नए सिरे से फिर से क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा. फिर जो प्रॉफिट लॉस होंगे वो आपस में तीनों में डिवाइड किए जाएंगे. ठीक है, सो रिजर्व्स का जो 1600 बचा हुआ है हमारा, उस 1600 को हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स के बीच में बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट के नाम से आस्था और आहना के बीच में क्या कर देंगे, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देंगे. ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से आगे चलते हैं. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. इन्वेस्टमेंट मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें कुछ प्लस माइनस हो रहे हैं, फ्लक्चुएशन हो रहा है, कमी वृद्धि हो रही है. तो उसके लिए हमने कितना बचा के रखा हुआ है, 1600. अब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको पॉइंट दिया है, जस्ट आफ्टर दैट यू कैन सी आहना विल टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 19,200 रुपीज. अब देखो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली थे कितने, इन्वेस्टमेंट्स वेयर ऑफ 20,000 और आहना उसको 19,200 में ले जा रही है. मतलब क्या हुआ, जितनी उसकी कॉस्ट वैल्यू थी उतने में नहीं ले जा रही है. ज़्यादा में ले जाती तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ तो कम में ले जा रही है. मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में ऑलरेडी 800 रुपीज़ कम हुए. कैसे मालूम पड़ा? ये देखिए, इन्वेस्टमेंट आपके 20,000 थे, उसमें से लॉस हुआ होगा 800, तभी तो उसकी वैल्यूएशन आ सकती रहेगी 19,200 जिसे आहना लेके जा रही है. तो
ऑलरेडी आपके जो फंड्स थे आपने बचा के रखे थे 1600 रुपए के, उसमें से 800 रुपए तो लॉस में चला गया है, ठीक है। सो उसमें उस जो 1600 फंड थे, उस 1600 फंड में से 800 हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे डायरेक्टली। स्टिल कितने बचे हुए हैं, स्टिल देर आर 800 रिमेनिंग। वो जो 800 रिमेनिंग है उसे हम क्या कर देंगे, आपस में बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के नाम पर आस्था और आहाना के बीच में उनके प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चले आगे, ओके आगे बढ़ते हैं। प्रोविडेंट फंड दैट इज अवर लाइबिलिटी दैट वी हैव टू शो इन लाइबिलिटी कॉलम पी एफ 6400 रुपीज इन लाइबिलिटी सेक्शन। बैड डेट्स रिजर्व 8000 रुपीज। नाउ लिसन, बैड डेट्स रिजर्व का मतलब क्या होता है, सर्टेन अमाउंट विच मे बी रिसीव्ड और विच मे नॉट बी रिसीव्ड, उसके लिए हमने पहले से प्रोविजन करके रखा हुआ है, इट्स अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी, पर एक्चुअली लॉस नहीं है। तो ये एक तरह का क्या है, प्रोविजन है कि शायद ये पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो उस पैसे को हम क्या दिखाते हैं, लाइबिलिटी में दिखा सकते हैं या फिर डायरेक्टली डेटर्स में से उसको माइनस कर दो। तो आपके डेटर्स कितने हैं, 25,200, उसमें से बीडीआर को 18,000 को लेस करते हैं तो आउटर कॉलम इट विल 17,200 रुपीज ओनली। अगर उसको वहाँ नहीं दिखाना है तो आप लाइबिलिटी सेक्शन में दिखा सकते हो, तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज मत होना, दो जगह दिखा सकते हैं। अगर पहले से ट्रायल बैलेंस शीट में आपको दिया हो, उससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन बुक में कहीं नहीं दी हुई है, तो हम क्या करने वाले हैं, लाइबिलिटी में दिखाएंगे तो भी राइट है, और डेटर में से माइनस करके बाहर निकालेंगे तो भी राइट गिना जाएगा। आफ्टर दैट क्रेडिटर्स 12,000 इनर कॉलम, देखिए लाइबिलिटी में मैंने दिखा दिया, अंदर की ओर क्रेडिटर्स 12,000, देन आफ्टर बिल्स पेबल्स 6,000, इन दोनों में टिक मार्क है, इसके अंदर ही लिखा हुआ है। ऑन द अदर हैंड्स वी ऑन द एसेट साइड सी गुडविल इज देयर, मैंने आपको पहले ही कहा हुआ है जब हम डिस्कस कर रहे थे इनिशियली कि गुडविल के बारे में क्या करना होता था। जब न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर होता है तो सबसे पहला काम ये होता है कि जो गुडविल ओल्ड वाली है उसे रिटर्न ऑफ कर दो, किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के। और सिर्फ गुडविल ही नहीं, जो भी हमारे इनकम्स हैं, जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, जो भी हमारे लॉसेस हैं, दे ऑल शुड बी रिटर्न ऑफ। सिमिलरली आगे भी कुछ और आएगा हम रिटर्न ऑफ कर देंगे। लैंड बिल्डिंग एसेट्स में है, एक लाइन छोड़ दीजिए। मशीनरी इनर साइड लीव वन लाइन, स्पेस इन्वेस्टमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डेटर्स अंदर लिखे, उस डेटर्स 25,200 में से हम 8,000 ऑलरेडी लेस कर चुके हैं। स्टॉक राइट इनर साइड, कैश, कैश के लिए हमने एक अकाउंट बनाया हुआ, कैश एंड बैंक अकाउंट। टू डेबिट साइड, कैश हैव अ डेबिट बैलेंस ऑलवेज, सो इट इज 16,000। एडवर्टाइजमेंट कंपेन एक्सपेंडिचर, नाउ दिस इज ऑल्सो यू नो काइंड ऑफ एक्सपेंसिज विच इज टू बी रिलेटेड विद द फॉर्म फॉर लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो क्या करना पड़ेगा उसको, राइट नाउ न्यू पार्टनर के आने के टाइम उसको हम क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। तो कैसे रिटर्न ऑफ करेंगे, आस्था और आहना के डेबिट साइड एडवर्टाइजमेंट कंपेन एक्सपेंस जो हुआ है 3200 का हम डिवाइड कर देंगे दोनों के बीच में, ओके। देन आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिमिलरली एज वी हैव डन गुडविल, वी हैव डन एडवर्टाइजमेंट कंपेन एक्सपेंसिस, सेम विल डू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑल द एक्सपेंसिस एंड प्रॉफिट और इनकम्स वट एवर वी हैव दे ऑल टू बी रिटन डाउन बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रायल बैलेंस शीट। नाउ वील डिस्कस रिलेटेड विद द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। So, Sonu will bring 80,000 as per capital and 7,200 as share of goodwill in cash. Now, listen. If new partners is bringing 80,000 rupees as cash, entry will be cash account debited. 80,000 rupees, so cash account ke debit side pe 80,000 likhiye aur naam likhenge Sonu's capital account. Aur Sonu ke capital account mein likhiye 80,000 rupees aur naam likhenge cash account. Aap generally likhte rehna cash account debited to Sonu's capital account credited. ठीक है? पोस्टिंग भी हमने कर दी साथ साथ में, और 7,200 रुपीस गुडविल के रूप में लेके आया है वो, ठीक है। आप सिंपल लॉजिक समझो, तो न्यू पार्टनर जब अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेके आया तो एंट्री क्या बनेगी, एक तो कैश आया हुआ है, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड 7,200 रुपीस। लेकिन मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब न्यू पार्टनर कैश में गुडविल लेके आता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। So entry will be cash account debited to premium for goodwill account debited credited. So cash account के debit side पर लिखेंगे 7,200 rupees और नाम देंगे to premium for goodwill account. और दूसरी entry premium for goodwill account में entry कर देंगे, लेकिन वो तो हमने बनाया नहीं है. So it is to be assumed कि वहाँ पर हमने क्या कर दिया, post कर दिया. उसका दूसरी entry आपकी आती है कि premium for goodwill account debited to, अब ये जो नए पार्टनर के द्वारा लाई जाने वाली गुडविल है उसे ओल्ड पार्टनर्स अपने सैक्रिफाइस रेशियो में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। अब सैक्रिफाइस रेशियो ये क्या होता है, तो हमने ये भी सीखा हुआ है, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। व्हाट इज ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो।
तो ओल्ड रेशियो आपके पास 1:1 है तो 1/2, न्यू रेशियो 4:3:3 दिया हुआ बुक में, आप देखो इनिशियली फर्स्ट ट्रांजेक्शन में दिया हुआ आपको। सो 4:3:3 का मतलब होता है 4+3+3 10 हुआ, 4/10 3/10 है 3/10, ठीक है। सो ओल्ड रेशियो 1/2 माइनस न्यू रेशियो 4/10 डिफरेंस निकालेंगे विल बी 2/20 एंड हियर इट विल बी 4/20। सो 2:4 इट विल बी 1:2, दिस इज योर सेक्रीफाइस रेशियो। तो वो जो 7,200 रुपीज आया हुआ है कैश में उसे हम क्या कर देंगे, सेक्रीफाइस रेशियो में पार्टनरशिप में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू होल्ड बोथ ऑफ द पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिटेड। आस्था एंड आहना में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे कितने नाम से, 2400 एंड 4800 के बीच। इज अ फ्रेंड ओके। आफ्टर दैट न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो वी हैव डिस्कस अर्लियर ऑन 4:3:3। गुडविल इज बी वैल्यूड 40,000। दिस पॉइंट व्हाई इट इज गिवन, नाउ 40,000 की इफेक्ट हम बैलेंस शीट में तो नहीं देने वाले, तो करना क्या है, जो आपको 40,000 की गुडविल आई हुई है, आप देखो टोटल फर्म की गुडविल 40,000 है, उसमें से नया पार्टनर जो है उसका रेशियो 4:3:3 है, मतलब उसका शेयर कितना है 3/10 है, तो हम उसकी गुडविल निकाल के देखेंगे। सो हम चेक करते हैं 3/10 हेडिंग दिया गुडविल फॉर सोनू, सो 3/10 गुडविल निकाल 12,000। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू गुडविल सोनू को अपने हिस्से की जो गुडविल 7,200 लेके आया हुआ है उसके अगेंस्ट ही शुड ब्रिंग 12,000 रुपीज। हाउ मच इज रिमेनिंग, आप देख सकते हो 12,000 में से उसने 7,200 लाया हुआ है, तो 4,800 स्टिल टू बी ब्रॉट। वो कौन लेके आएगा, वो ही लेके आएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सोनू अकाउंट डेबिटेड। तो अगर सोनू को हम डेबिट कर देंगे तो दोनों में क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि जो भी कैपिटल लेके आएगा आज नहीं कल लाएगा, परसों लाएगा, जब भी लाएगा, वो कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाएगा उनके सेक्रीफाइस रेशियो के बीच में, ठीक है। पोस्टिंग भी कर देंगे, सोनू के अंदर डेबिट है पे लिखेंगे 4,800, लेकिन दो सेक्शन में डिवाइड कर देंगे 1600 एंड 3200 के बीच में, और दोनों को डिवाइड करके कहां डालेंगे, सोनू के डेबिट साइड। सोनू के डेबिट पे लिखेंगे आस्था और आहना अकाउंट, और आस्था और आहना के क्रेडिट है लिखेंगे सोनूज कैपिटल अकाउंट। जितना रिमेनिंग था 1600 एंड 3200 वो हम कवर अप करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, द क्लेम वो हम देख चुके हैं, क्लेम वाला लाइबिलिटी है तो वहां पर हमने दिखा दिया लाइबिलिटी में। आहना विल टेकन ओवर द इन्वेस्टमेंट, वो भी हम देख चुके हैं। सो इन्वेस्टमेंट आपके 20,000 के थे, 19,200 में ले जा रही, तो 800 रुपये की रिडक्शन हो रही है, कमी हो रही है, तो माइनस लॉस और कमी रिडक्शन व्हाटएवर यू से, इवन कम के 9,200, ठीक है 9,200 रुपीज है। यहाँ जो कौन ले जा रही है, आहना विल टेक ओवर, सो यहाँ से उसको माइनस करेंगे। अगर एसेट्स की में से कोई एसेट्स को पार्टनर लेके जा रहा है, इफ एनीवन टेक, सो वहाँ से तो उसकी रिडक्शन हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट अब हमारे पास नहीं रहे, जीरो। और आहना के अकाउंट में जाके देखेंगे 19,200 रुपीज की एंट्री करेंगे बाय द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है ओके। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिकॉर्डेड, देखो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन मतलब ये हमें मिलने वाला है, हमने इन्वेस्टमेंट किया तो उसका इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है, एक्रूड है, हाँ मिलना बाकी, मतलब कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की राइट साइड पे लिखिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,400। एक एंट्री ये कि मिलना बाकी, हमारी एसेट भी तो होती है, तो एसेट्स के कॉलम में चले जाओ, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,400, डन। चलो आगे चलते हैं, एक्सेप्टेड बिल्स पेबल ऑफ 2,000 विच वॉज ड्रॉन बाई क्रेडिटर्स नॉट रिकॉर्डेड। देखो क्रेडिटर्स ने 2,000 की एक बिल्स पे करनी थी और वो अभी तक नहीं रिकॉर्ड हुई है, ठीक है। अब क्रेडिटर्स ने तो पे कर दी है तो वहां से तो कमी हो जाएगी, आपके जो क्रेडिटर्स 12,000 के थे वो 2,000 पे कर दिया, इट विल बी राइट नाउ इट विल बी 10,000। एक्चुअली हुआ क्या है, तो बिल्स पेबल्स में उसकी इंक्रीमेंट हो गई है, ठीक है, अभी रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना, so it will be unrecorded bills payable 2,000, that will be 8,000 right now। आगे चलते हैं, book value of land building is 20% less than its market value, this is the point that we have to understand my you know completely। book value जो है land building की वो market value comparison में 20% कम है, कम है मतलब वो जो अंदर आपको दिख रही है book value वो 100% पे नहीं है, it is on 80%, so we'll have to make a theme on 80% it is 40,000, on 100% how much it would be, so it will be 50,000, so 40,000 50 हुआ, कितना increase हुआ, 10,000 increase हुआ, so उसकी second effect कहाँ जाएगी, revaluation account में देखो buy land and building account increase 10,000 rupees। आगे चलते हैं,
out of insurance premium paid 4,800 for the next year is given. Now, अब next year का जो premium है वो हमारा एडवांस प्रीमियम हो गया है ना, प्रीपेड. तो प्रीपेड इज बी प्रीपेड विल बी आवर एसेट्स. सो यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 4,800 सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगी, अगर आउटस्टैंडिंग कोई लाइबिलिटी है तो डेबिट साइड पर, लेकिन अगर प्रीपेड है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पर 4,800 रुपीज. आगे चलते हैं, इट इज ऑल ओवर. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये सब चीजें हमारी क्या हुई, ट्रायल बैलेंस भी कंप्लीट हो गई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट कर दी हमने. अब अकाउंट्स क्लोज करते हैं तो 17,200 है, डिफरेंस निकालेंगे सो इट विल बी 8,600 इज इक्वल, बिकॉज प्रॉफिट लॉस रेशियो कैसा है, दोनों का सेम सेम है, वन सेम वन. उसे शिफ्ट करेंगे कहां पर, कैपिटल में 8,600 क्लोज करेंगे, यहां ज्यादा है इस तरफ कम है, तो डिफरेंस जो आएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आगे ले गए, आगे कहां ले जाएंगे, बैलेंस शीट ले जाएंगे. तो आस्था आहना और सोनू की कैपिटल टोटल मारते हैं तो 1,96,496,400 रुपीस गेट द टोटल ऑफ ऑल दिस, दिस इज 2,24,000. एंड ऑन द अदर हैंड देखो मशीनरी में कोई एंट्री नहीं आई है तो उसको सॉरी लिखने की जरूरत नहीं है, टिक मार के बाहर निकाल दो, है ना, नो इशू. और भी कुछ है स्टॉक में कोई डेटा नहीं है तो बाहर निकाल दिया. और आफ्टर दैट लास्टली आप कैश अकाउंट बाकी है बंद करना, तो कैश अकाउंट क्लोज करते हैं. देखो यहाँ पर डेबिट साइड सारी एंट्रीज है 1,03,200. On the credit hand, it is nothing, no data is given to you, no issue. So total 103,200. So हम carry करेंगे कहाँ पे, balance sheet में इसको total मारेंगे 2,24,000. Still one thing I want to tell you कि अगर bad debts reserve किसी के यहाँ पर या फिर कोई teacher आपको यहाँ लिखवा के करवा रहा है, then also that is right. आप यहाँ भी लिख दोगे तो आपका answer जो है 2,32,000 आएगा और वहाँ भी 2,32,000 ही आएगा. इसलिए कोई भी स्टूडेंट इस चीज को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि हमारे सर ने या फिर पुराने सर ने यहाँ डेबिट साइड पर किसी की बुक में 8,000 बैड डेट्स रिजर्व के नाम से लाइब्रेरी में लिखा था और हमने आपको यहाँ पर डेटर में से माइनस किया है. ठीक है, दिस इज ऑल अ बेसिक थिंग्स, सिंपल है. आप यहाँ लिखोगे तो भी राइट है, वहां लिखोगे तो भी राइट है. ठीक है, क्वेश्चन पूरा हुआ, दोनों तरफ मैच हो गया 2,24,000. फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे. और फ्रेंड्स आपको ये चीज खास बताना चाहूँगा, इस चैप्टर से रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को खुद भी ट्राई करने की कोशिश करनी है, साथ साथ में इलस्ट्रेशन वन नंबर जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं बड़े क्वेश्चन 8 मार्क्स वाले, फर्स्ट 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी आप ये सॉल्व करो तो साथ साथ में वो क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करना. सॉल्व हो जाए तो मुझे उसके क्या करना, व्हाट्सअप या फिर मेरे नंबर पे उसके क्या ना उसको टेक्स्ट मैसेज में व्हाट्सअप पे क्या बोलते हैं उसको भेज दीजिएगा. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय.